की कबूलियत के सिलसिले में मैं मशहूर सूफी हजरत मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल का एक शेर पेश करूंगा जो हमारी दुआएं हैं कि ज़ौक़ तलब आलमेस्त वक्फे हुजूरे दवाम, फारसी का शेर है, पुरबा इजाबत मकोश खत्म दुआ में शबद। उसने कहा कि जो तेरे अंदर तलब है ना अल्लाह की, अपने मालिक की, इसका जो तड़प है, ज़ौक़ है तेरे अंदर, ये एक अलग दुनिया रख दे, ये ज़ौक़ की अलग दुनिया है, ये तुझे अपने मालिक के बारगाह में हमेशा हाजिर रखता है ये ज़ौक कि तेरे अंदर तड़प है कि मैं अपने मालिक से मांगूं, मैं अपने मालिक से ये मांगूं, तो ये ज़ौक तुझे उसकी बारगाह में सदा हाजिर रखता है। पुरबा इजाबत मकोश खत्म दुआ में शबद, ये ज्यादा दुआओं के कबूल होने के पीछे ना पड़ा कर कि हाय मेरी दुआ क्यों उन्हें कबूल होती है। अरे जालिम, अगर दुआएं कबूल हो गई तो ये दुआ का सिलसिला खत्म हो जाएगा, मालिक से मुखातब तू कब होगा, तूने मालिक के दरवाजे पर जाना ही नहीं है, तो मालिक के दरवाजे पर तुझे अपनी तलब ले जाती है। दुआ ये कर के तेरे अंदर अपने मालिक की तड़प और तलब रहे, ये जब तक रहेगी तो तेरी दुनिया सलामत है, तेरे दिल की दुनिया आबाद है, और अगर ये तड़प खत्म हो गई तो सिलसिला खत्म। तो मैं आपने जो अब सवाल किया है कि हमारी अब दुआएं क्यों नहीं जाती, ये और दुआएं हैं, ये हमारी इसलिए नहीं जाती, लाखों लोग हर वक्त नमाज करते हैं, पूरी दुनिया में नमाज होती है, सब हमारे आमाल अच्छे नहीं है, हमारे हम हुजूर अपने आका की सीरत को भूल चुके हैं, हम दुनिया के पीछे पड़ गए हैं। दौलत, दौलत जो है ना जी, इसमें दो लफ्ज हैं, दो लत, लत भी है दो भी है, दो लत यानी पंजाबी च आखो इस विच दो लतन, ये दो लत्ता मारनी है, जिस तरह खोता दो लत्ता मारना ना, इस तरह दौलत भी बाज वक्त दो लत्ता मारनी है, ते दो लत्ता इस विच मौजूद हैं। हम दौलत के पीछे भागते हैं, सूफिया के पीछे दौलत भागी, हम सूफिया हम दौलत के पीछे भागते हैं, बड़ा फर्क है जी। तो जो दुनिया को छोड़ता है दुनिया उसके पीछे भागती है।